विराट कोहली, किंग कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच में गजब की बैटिंग की। विराट ने केएल राहुल के साथ मिलकर बड़ी पार्टनरशिप की। कोहली और राहुल दोनों ने मैच में बेहतरीन शतक लगाए, जिनकी बदौलत इंडियन टीम ने 228 रनों की बड़ी जीत हासिल की। कोहली को उनकी 122 रनों की नाबाद पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसके बाद वो काफ़ी खुश नजर आए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कोहली ने 2 दिन बैटिंग की, यानी कि 10 तारीख को जब मैच बारिश के कारण रुक गया और फिर 11 तारीख को रिजर्व डे के दिन भी, और अब कोहली को लगातार तीसरे दिन यानी 12 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ भी बैटिंग करनी हो सकती है। इसको लेकर मैच के बाद कोहली ने संजय मांजरेकर से बात करते हुए कहा, मैं आपसे कहने वाला था कि इंटरव्यू को थोड़ा छोटा रखिए, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मुझे कल भी 3 बजे से खेलना है। हम सभी टेस्ट क्रिकेटर हैं, मैंने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, तो मुझे पता है कि अगले दिन कैसे खेलने उतरना है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा उमस थी और मैं इस साल नवंबर में 35 साल का होने जा रहा हूँ, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा। कोहली ने राहुल के साथ अपनी पार्टनरशिप को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं हमेशा टीम को अलग अलग तरह से हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। राहुल ने अच्छी शुरुआत की और मेरा काम बस स्ट्राइक रोटेट करने का था। मैं और केएल दोनों कन्वेंशनल क्रिकेटर्स हैं और हम फैंसी चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन हम अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेल कर ही रन बना लेते हैं। अच्छी पार्टनरशिप भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा संकेत है। उन्होंने जिस तरह से वनडे क्रिकेट में वापसी की उसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। दरअसल विराट कोहली और केएल राहुल ने तीसरे विकेट के लिए 233 रन की नाबाद साझेदारी कर डाली। ये एशिया कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी हो गई है। कोहली ने सिर्फ 94 गेंदों पर 122 रन बनाए, जबकि राहुल ने 106 गेंदों पर 111 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर में 2 विकेट खोकर 356 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इसके बाद इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तान की टीम को 128 रन पर समेट दिया। सबसे तेज 13,000 रन, जी हाँ, मैच के दौरान कोहली ने वनडे क्रिकेट में 13,000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। कोहली यह कारनामा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 267 पारियों में 13,000 रन पूरे किए। कोहली के बाद लिस्ट में नाम आता है सचिन तेंदुलकर का। सचिन ने 13,000 रन अपनी 321वीं पारी के दौरान बनाए थे। इसके अलावा रिकी पॉन्डिंग ने 341 पारी में 13,000, वहीं कुमार संगकारा ने 363 पारियों में कारनामा किया था। जयसूर्या 416 पारियों के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं। विराट कोहली ने मैच के बाद जो कुछ भी कहा है उसे ललन टॉप पर आपके लिए लेकर आए हमारे साथी रविराज भारद्वाज। भारत पाकिस्तान मैच हो या देश दुनिया की कोई भी खबर, हर खबर आपको मिलेगी सिर्फ दी ललन टॉप पर। शुक्रिया।